आज मैं अपने सब पेट्स के लिए घास ले आया हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब देखना सारे टूट पड़ेंगे। ओ देखो रैबिट्स भी आ गया। ओए टॉमी तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? हैं? ओए काम देख इसके, तू भी घास खाने आए हो? देखो देखो हरकतें देखो इस, ये क्या कर रहे हो? और ये घास है सिम्बा के लिए। सिम्बा घास आ गया, आ जाओ। टॉमी तू यहाँ क्या करने आ गया घास के अंदर? हैं? सिम्बा को तंग कर रहे हो यार, चले जाओ यार यहाँ से। टॉमी तू बहुत शरारती बन गया। और हाँ दोस्तों, आज मिनी जू में हमारे छोटे छोटे मेहमान आने वाले हैं, मतलब वो बच्चों वाली ना बकरी इधर आएंगी। इस फार्म में तो नहीं है, तो अभी अनकम्प्लीट है, इस फार्म में आ जाएगी। चलो ये लो। ओए ओए ओए, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये देखो, ओए हो, केले पे लड़ाई शुरू हो गई। और हाँ दोस्तों, ये घास हमारे छोटे रैबिट्स के लिए, ये यहाँ बिग हाउस में रहते हैं, वहाँ बाहर आते ही नहीं है, मैं रोज़ इनको यहाँ घास देता हूँ। चलो आ जाओ कालो, देखो सारे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार जब हमारा टॉमी खाना खा रहा होता है ना, ये देखो, कह रहा मुझे भाई डिस्टर्ब ना करो नहीं तो मैं आपको काट दूंगा। समझ नहीं आते यार, सब पेट्स को डाइट डाल दिया है, बहुत अच्छा काम किया है आपने। तो यार आज हमारे सिम्बे का इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके दोस्त आज मिनी जू आ जाएंगे। आज देखेंगे दोस्तों सिम्बा कितना खुश होता है उनको देख के, उनके साथ खेलेगा भी सही और उनके साथ घूमेगा। आप तो पूरी जिंदगी वो इसके साथ ही रहेंगे। दो दिन से बोल रहे थे आज हम अपने एक्वेरियम को साफ करते हैं, आज करते हैं। फाइनली मामू ने कहा भाई आज करते हैं, तो मामू ने ना मछलियां वगैरह ना इसके अंदर निकाल ली हैं, आपको नजर आ रही होंगी स्टॉप के अंदर। और पानी का ना आप कलर देखो कितना ग्रीन हो गया है। ये देखो, ये जो दोनों पत्थर है ना, आप इनके ऊपर देख सकते हो, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गए, बिल्कुल व्हाइट थे जब ये आए थे। ये आ गया भाई फिशेस। चलो भाई फिशेस, तुम एक्वेरियम में थोड़ी देर बाद जाओगी, पहले तुम जाओगी स्टॉप में, हम तुम्हारा घर साफ कर रहे हैं। दोस्तों हमारा एक्वेरियम ना अच्छे तरीके से साफ हो गया, अब हम ना इसकी जगह भी चेंज कर रहे हैं, और हमारी फिशेस ना इस टब में पड़ी हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ टब में ही इनको डाइट डाल देता हूँ। अभी मैंने डाइट डाली नहीं है, सॉरी, ऊपर आ गए हैं खाने। आ जाओ, ओ देखो 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 देखो, मजे मजे से खा रही है, मजे मजे से। ये तो एक्वेरियम को उठाना बहुत मुश्किल है, इतना भारी है ना ये, क्या मैं बताऊँ। इसको सबसे ज्यादा मसला होता है हमें शिफ्ट करने का, अब हम इसको ना उस रूम में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये खराब दोबारा ना हो। दोस्तों हम दो दिन से कह रहे हैं स्नो के लिए पार्टनर लेके आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है स्नो बहुत उदास है। स्नो आप टेंशन ना लो, हम अभी जा रहे हैं आपके लिए पार्टनर ले आएंगे। यार एक छोटा सब्सक्राइबर आया, कह रहा है मैं सिम्बा के लिए गिफ्ट ले आया हूँ। चलो आओ दोस्तों देखते हैं कौन आया हमारे से मिलने। क्या हाल है, ये क्या ले आये हो? ये सिम्बा के लिए भाई जेवरात। ये क्या ले आया, इसमें तो चन-चन की भी आवाज आ रही है। तो भाई एक्वेरियम को इधर फिट करना इतना मुश्किल था ना, ये बहुत ज्यादा भारी है। तो फाइनली हमारा एक्वेरियम इस रूम के अंदर फिट हो गया, अभी तो लाइटिंग होगी, डेकोरेशन होगी और इसके अंदर फिशेज आएंगी, तो फिशेज ना आके डालेंगे। पहले हम जा रहे हैं पेट मार्केट, वहां से हमने स्नो और कौन है बड़ी हमारी ब्लैक रानी के लिए पार्टनर लेना है उनसे। भाई दो दिन पहले वादा किया था, अभी तक पार्टनर उनका नहीं आया, तो जल्दी से चलते हैं वो लेके आते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं बिल्ले वाली शॉप पे। आया पड़ा वो देखो, पसंद आया नहीं आया? वो पहले देखने तो दो, दूर से देख लो ना। वो जर्मन शेफर्ड बिल्ले को काटने की कोशिश कर रहा है। एक तो कैट्स और डॉग्स में इतनी गंदी लड़ाई होती है ना, एक दूसरे का दुश्मन है। ये तो राजे की तरह है, राजे की तरह है, उसी तरह है। ओ भाई मुझे तो लगता है वही राजा ही है ये। इस तरफ से ले आओ भाई, ये काट ही ना लो, दूर हो जा। इसके आईज में चेक करता हूँ, हाँ ब्लू आईज है, लेकिन ये मैला क्यों हुआ पड़ा है? अच्छा आपने पानी लगाया इसी वजह से मैला हो गया, नहीं तो प्योर अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। चलो ले लो ले लो, इसकी मुझे ना आईज बहुत प्यारी लगी है। ये है भी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है। चलो चलो चलो, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाए, चलो इसको हम अच्छे से नहला देंगे ना, तब ये सही हो जाएगा। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे डायनोसॉर आए हुए हैं भाई, ओहो ये फुल ब्लैक और ऊपर वाइट, अच्छी ब्रीड है, लेकिन अभी नहीं लेना ये। ये वो सरप्राइज देंगे, उसके बाद ले सरप्राइज देंगे। दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज है 2,00,000 सब्सक्राइबर पे, तो अभी भी नहीं बताने वाला मैं आप। हम अपने ना बिल्ले को लेके जा ही रहे थे, और हमारे कोई सब्सक्राइबर है, क्या हाल है, ठीक है आप? इन्होंने भी व्लॉग में आना था, तो मैंने कहा चलो आप भी आ गए, चलो बाय बाय। चलो यार जल्दी से चलो, बहुत रश है मार्केट।
आज बहुत ज्यादा रश है क्योंकि संडे है आज। पीछे ना शिकारी बिल्ला भागा जा रहा था, मुझे लगता है वो ब्लैक रानी को भगाने आया था, लेकिन उसको पता नहीं है हमारा ये जग्गू आ गया। जग्गू इसका नाम तो मैंने पहले रख दिया है। क्या जग्गू? नहीं ये भी कोई नाम है? ओए मुझे पंजे छुपाए हुए हैं। ओए हो चुकेंचो ओए पूरे रास्ते पंजे छुपा दिए थे। मुझे दो आप उठाओ इसको, आप उठाओ। अब जल्दी से दोस्तों चलते हैं, इसको अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। स्नो स्नो इधर आ। ओ स्नो देख के उठ गई। इधर आ देख, तेरा दोस्त आया ऊपर। स्नो ये कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं ये पहले देख रहा है। स्नो हमारी बहुत अच्छी है, वाइट वाइट है ये। इसका क्या हालत हुई पड़ी है? पता नहीं इसको नहीं है पेट मार्केट वाले ने। स्नो लड़ाकू भी बहुत है। अच्छा ब्लैक रानी को मैं जल्दी से ले आता हूँ। वो ऊपर है? हाँ ऊपर होगी, उसको भी मिलवाते हैं न्यू बिल्ले से। तुम कहाँ हो ब्लैक रानी? नजर नहीं आ रही, इधर भी नजर नहीं आ रही, इधर भी नहीं आ रही, इधर भी नहीं आ रही। एक ही जगह पे बैठी होगी, मुझे पता है किधर। अपने घर में ब्लैक रानी आराम से सोई पड़ी है, इसको पता ही नहीं है मेरा पार्टनर आ भी गया है। अभी मैं इसको लेके जाता हूँ, इसके पार्टनर से मिलवाता हूँ। आ गया, मैं लेके आ गया। दोनों को क्यों उठाया? इन दोनों की ना मैं दोस्ती लगवा रहा हूँ अच्छे से। अच्छा हाँ लग भी रही है इन दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या हुआ? दिखाओ। ओ ये तो खून लग गया, मैं कपड़ा ले आता हूँ। कहाँ लाऊं कपड़ा? ये पड़ा तो है इधर, पास ही पड़ा है ये। इस खून रोको इस पे। क्या कौन था, ब्लैक रानी था और दूसरा बिल्ला था? यार कुछ समझ नहीं आ रही, दोनों आपस में लड़ रहे थे, एक पंजा लग गया, मुझे अभी तक पता नहीं है। मुझे वो जो नया बिल्ला था यार, ब्लैक रानी ने आज तक इस तरह नहीं किया। जलन हो रही है, मुझे कुछ जल्दी करना पड़ेगा। दोस्तों आज हमने अपने मतलब इस फार्म के लिए बकरिया लाना था, लेकिन वो बिल्ले ने आज अच्छा नहीं किया। वलीद का हाथ सारा खून ही खून हो गया, वो अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। वो आ गए हो? आ गए वलीद? हाँ यार। क्या हुआ? थोड़ा फर्क पड़ गया, पट्टी वगैरह कर दी है। अच्छा मैंने खुद ही कर दिया यार, बाहर कोई दुकान ही खुली नहीं थी। ओहो ये देखो। चलो शुक्र है सही हो गया। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्या हुआ? ये जो हमारी ये वाली फिश है ना। हाँ देखो इसको पता नहीं क्या हो गया। दिखाओ। इनको जल्दी से एक्वेरियम में डालना पड़ेगा यार, ये गलत है। एक्वेरियम साफ हो गया, बस अभी मैं डाल देता हूँ मैं और मामू। एक तो ये वाला हाथ भी मेरा काम नहीं कर रहा, बहुत जहर तो नहीं फैल गया? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दूर से देखो। ओए यार आपको पट्टी लगानी थी, वो पाइडिन लगाना था। बस यार क्या करें, काम करना है, व्लॉग पहले बनाते हैं फिर कर लें। चलो ठीक। चलो भाई मैं उठ जाऊं। कुछ नहीं है, खैर है, हाथ को इधर रखते हैं और वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये वाली हमारी जो मछलियां हैं ना, ये ना अब एक्वेरियम में जाने वाली हैं, तो इनको एक्वेरियम में डाल देते हैं जल्दी से चल के। जो हमारी फिश मरी है ना समझ, उसको ना खूनी बिल्ले को खिला रहा है यार। ना खिलाओ उस फिश को, मैं दफना रहा था, उसने हाथ से खींच लिया। वो इतना तेज बिल्ला है यार, ये बिल्ला खूनी है, इसने मेरा खून निकाला, आप उसकी दावतें कर रहे हो। ये देखो भाई ये मजे मजे से फिश खा रहा है, चल खा भाई खा। मैंने तो इसके साथ कभी दोस्ती नहीं लगानी। मामू ने एक्वेरियम की काफी अच्छी सेटिंग कर दी है, सिर्फ अब फिश डालना बाकी है। चलो मामू आप डाल दो। हाँ VIP सेटिंग हो गई है यार, इसको क्या हुआ है? दोस्तों अभी हमारी एक फिश मरी थी और अब ये छोटा पैरेट, क्या हुआ है इसको यार? इसने तो पानी भी पिया हुआ है, दाना भी खाया हुआ है। वलीद यार वो छोटा तोता नहीं है? हाँ वो भी मर गया यार, पता नहीं गर्मी की वजह से क्या हुआ है यार। आज कोई दिन ही मनहूस लग रहा है, पहले मेरा हाथ वो पंजा लग गया। हाँ हाँ ये दूसरा वो फिश मर गई है जो मेरे हाथ में है, इसका पार्टनर। ये क्या कर रहे हो? ये उस एक्वेरियम के अंदर डाल रहा था मैं, अभी साफ हो गया। साफ हो गया हो ना? चलो चलो ले आओ ले आओ ले आओ। दोस्तों हमारा एक्वेरियम ना बिल्कुल मतलब फिशेस के लिए रेडी हो गया, सिर्फ फिशेस डालनी है। माशाल्लाह मैं भी डालने वाला हूँ, थोड़ी सी फिशेस तो मैंने पहले डाल दी थी, अब इनकी बारी है। चलो भाई जाओ। एक रह गया, एक रह गया। चलो कर रहा तरकी पर। ओ यार तरकी पर डक को मार रहा है, पहले छोड़ो उसको, छोड़ दो। ये क्या हुआ? डक को मार रहा है यार वो, हट। आज कुछ समझ नहीं आ रही हमारे साथ क्या हो रहा है। तरकी पर डक को मेरे सामने मार रहा है यार, हट। एक तो मेरे हाथ में दर्द है, हटो। इतना बदतमीज हो गया तरकी पर, मुझे तो आज पता लगा यार। सब इन पेट्स को ना खिलाओ, इधर आओ सिम्बा को भी खिलाओ। किसको? सिम्बा को कौन खिलाएगा? अच्छा सिम्बा को दोस्तों मैं नहीं भूलता, क्योंकि आज इसके पार्टनर आने थे वो भी नहीं ले आए, आज फिर इसे वादा खिलाफी हो गई है। चलो कल इंशाल्लाह, ठीक है सिम्बा, कल मिलवाएंगे। टेंशन ही नहीं है उसको, जिम्मी की तरह खिलाओ पिलाओ, चाहे दुनिया मरे आए, सिम्बा को टेंशन नहीं है। नहीं सिम्बा तो मिस कर रहे अपने पार्टनर को, दिल में कर रहे, हमें थोड़ी बता सकता है यार, उसकी जबान तो नहीं इंसान। हाँ ये भी हो सकता।
हमारा रैम्बो मोर ना हैंड टेम है, मतलब ये ना अब हाथ से हमारे खाता है। इसका डर भी उतर गया, जब ये न्यू आया था ना बहुत ज्यादा डरता था। देखो कल एक काम याद रखना, कौन सा सबके लिए ना वो तरबूज लाना है। बस ठीक है ठीक है, अभी तो खाने दो। रात को हमारी जो बच्चों वाली बकरी है ना, इसका ना चारा खाने का टाइम होता है। अभी हम यहाँ चारा बना रहे हैं, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो, और भी डालो भाई कम है। ओ भाई इसने तो यही खाना स्टार्ट कर दिया। आ जाओ अपनी मम्मा के साथ, चलो शाबाश, चलो चलो भाई इनके साथ खाओ, शाबाश। अब दोस्तों ये रात को आराम से खाएंगे और फिर इनकी रात इजी गुजरेगी। हमारा ये काम होगा, हम इनको मिनी जू ले चलेंगे और इनका अच्छा सा नेम भी रखेंगे। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।